एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ टू करियर बडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं नेशनल फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैंने उसका ब्रोशर ओपन कर रखा है, इन लोगों ने अपना न्यू सेशन के लिए एडमिशन पॉलिसी निकाल दी है, तो यू कैन विजिट दैट ब्रोशर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ब्रोशर। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनके कौन कौन से कैंपसेस है। ओके, तो यूनिवर्सिटी का नाम तो बता दिया, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है, गोवा के अंदर है, गुजरात के अंदर है एंड त्रिपुरा के अंदर है। तो यहाँ पे मेंशन भी है, इट इज़ गांधीनगर, इसका मेन गांधीनगर मीन्स गुजरात। ओके, एंड दिल्ली के अंदर है, गोवा के अंदर है, त्रिपुरा के अंदर है एंड भोपाल एंड धनबाद। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है एग्जाम वगैरह की। ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका 23 मार्च को फॉर्म निकल चुके हैं। सो लाइक दिन हो गए, थोड़े निकले हुए, थोड़ा लेट वीडियो, बट कोई नहीं, यू कैन फिल इट। ओके, और लास्ट डेट आपका रहेगा 29th of May। ओके, लगभग 2 महीने का टाइम है, यू कैन फिल। ओके, अब पेबल फीस रहेगी 1500 फॉर ऑल कैटेगरीज, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है लाइक SC ST है तो कम नहीं, यहाँ पे लगभग सबको 1500 देने का। ओके, मोड ऑफ पेमेंट वही नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह, यू कैन यूज एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि 1 जुलाई तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी 12th का सर्टिफिकेट वगैरह, जब तक तो आ भी जाता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट बाद आपका एग्जाम बोर्ड रखा है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस है, CBT एग्जाम, MCQs आएंगे इसके अंदर, 90 मिनट का पेपर होगा यानी 1.5 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1st and 2nd July, 1 जुलाई 2 जुलाई को आपके एग्जाम होने वाले हैं। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 9 से 12। ओके, एंड फिर आपको ये रखा है कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट 17 से पहले रिजल्ट आ जाएगा, 17 जुलाई से पहले, और फिर आप आराम से अपनी काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड यू कैन गो कॉलेज एट 8 अगस्त, मतलब 8 से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी डिटेल इन लोगों को दे रखी है, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इन लोगों ने वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव अभी कुछ एग्जाम सेंटर्स हैं जो आप फिल कर सकते हैं, मतलब काफ़ी एग्जाम सेंटर्स हैं दिल्ली भी है इसके अंदर। ओके, अब नेक्स्ट डिटेल देखते हैं, अभी कुछ रिजर्वेशन का भी डिटेल है, SC ST आप इसको पढ़ सकते हैं, आर फ्रॉम कैटेगरीज। ओके, तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बाकी देख सकते। अब ये इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ दी है, दे गिव कैंपस कोर्सेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, कैंपस आ जाएगा। तो मैं दिखा लेता हूँ, लगभग कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये मैं अभी डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में, कुछ ऐसा आपको इंटरफेस ओपन होगा जब उसको स्कैन करोगे। ओके, तो हम इसका डिस्कस करेंगे, बट पहले इस बार प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। ओके, देन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड NFSU मार्किंग स्कीम। सो इफ यू टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम, यू कैन इजिली ऑब्जर्व, देर विल बी 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से 100 आपको करने हैं, बट इफ़ यू डू करेक्ट आंसर, अगर आप कोई ठीक आंसर करते हो तो उसको +1 मिलने वाला है एंड इनकरेक्ट पर -0.25 आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मतलब हर एक ठीक करने पे 1 मार्क एंड गलत करने पे -0.25 आपका कटेगा। ओके, ये आपको फिक्स याद रखना है। बात करते हैं डोमिसाइल कैटेगरी, डोमिसाइल क्या होता है भाई, इट इज़ कॉल्ड स्टेट कोटा। तो 10% स्टेट कोटा लगेगा जहाँ से भी अप्लाई करेंगे, जैसे आपने दिल्ली में अप्लाई करा, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप स्टेट कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये बाकी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डिटेल है, किस हिसाब से फोटो डालना है, किस हिसाब से कोई और किसी कैटेगरी से है तो कैसा रहेगा, तो ये तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं और देख लेता हूँ कुछ खास इंपॉर्टेंट हो इसके अंदर। तो बाकी आपको कुछ फॉर्म से रखे हैं, ऐसे आपको PW या जनरल EDS का फॉर्म फिल करना होता है यहाँ से, या EWS का फॉर्म फिल करना है तो इसमें प्रॉपर फिल करके इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनेक्सर आपको दे रखें, बट अब हम आते हैं अपने मेन चीज़ की तरफ, एडमिशन फॉर कोर्सेज, कोर्सेज कौन कौन से रहेंगे, तो मैं वो खोलता हूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वाले का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो पहले तो मास्टर्स के हमारे को लेना देना नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बैचलर कोर्सेज। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, फर्स्ट स्टार्ट विद BSc MSc फॉरेंसिक साइंस। ओके, तो भाई ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, मैंने पहले भी कहा था इंटीग्रेटेड कोर्स 5 ईयर के होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से कैंपस में, यहाँ पे लिखा है 5 ईयर कोर्स है, और गांधीनगर में 40 सीट्स हैं, दिल्ली में 40 है, गोवा में 40 है, त्रिपुरा में 30 है, धनबाद में 30 है। अभी 65,000 की फीस है, बट किस चीज़ की है, इट इज़ योर ट्यूशन फीस सेमेस्टर। ओके, बट ये पर सेमेस्टर फीस है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब एलिजिबिलिटी की बात देखते हैं, तो एलिजिबिलिटी आपकी है 10+2 विथ साइंस होनी चाहिए, विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब PCMB वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली PCMB स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दैट, ये आपको ध्यान रखना है फॉर BSc MSc फॉरेंसिक साइंस। ओके, एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होगा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड अब सिलेबस की बात करते हैं, एंट्रेंस सिलेबस आपका रहेगा 70% फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 10+2 लेवल, इन शॉर्ट आप कह सकते हो नीट लेवल की आएगी, और 30% जर्नलिज्म के ऊपर आएगा जो ग्रामर रहता है, ठीक है। सो MCQ क्वेश्चंस होंगे, और हम नेगेटिव मार्किंग बात कर चुके हैं, और देखते हैं कोई कोर्स हमारे BSc के लिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सिटी का नाम नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पे आर्ट्स के कोर्सेज भी अच्छे हैं और कॉमर्स के कोर्सेज भी अच्छे हैं, ठीक है। सो और देखते हैं, इधर PG डिप्लोमाज है, MTech हो गया, MTech या मास्टर्स है। ओके, ये अच्छा कोर्स आया हमारे लिए, BTech, MTech, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, इट इज़ अ गुड कोर्स। मैं आपसे कहूँगा अगर आपको इंजीनियरिंग में चाहिए कि थोड़ा एडमिशन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं,
ठीक है, फिर भी देखते हैं कैसा रहता है इसका पैटर्न। तो इन लोग ये 5 ईयर का कोर्स है, ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड है, और चूंकि साइबर सिक्योरिटी मतलब आप सीएस की तरफ ही जा रहे हो, ठीक है, मैंने इस पर वीडियो प्रॉपर बना रखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो यहाँ पे सीट्स देखते हैं, गांधीनगर में 40 है, दिल्ली में 40 है, त्रिपुरा में 30 है, धनबाद में 30, ये नंबर ऑफ सीट्स है। ओके, ट्यूशन फीस की है 65,000 फ्रॉम 1 to 6 सेमेस्टर, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 साल आप करेंगे, क्योंकि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो स्टार्टिंग के 3 साल फीस आपकी रहेगी 65,000 पर सेमेस्टर। ओके, पर जैसे ही आप आएंगे 4th और 5th ईयर में तो आपकी फीस हो जाएगी 90,000। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10+2 फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स एंड मैथ्स होना जरूरी है, मतलब इन शॉर्ट कहें तो पीसीएम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिशन रहेगा इनका खुद का एंट्रेंस होगा, उसके बेस पे होगा, जेई के बेस पे ये लोग नहीं ले रहा है। ओके, तो आप थोड़ा हैप्पी हो सकते हैं कि जेई के बेस पे नहीं ले सकते, नहीं ले रहे हैं, बट आप सिलेबस देखिए, जो सिलेबस है इनका एंट्रेंस का वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 80% वुड भी 80% आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब 80 क्वेश्चन आप मान लीजिए पीसीएम के आने वाले हैं जो कि जेई लेवल के हैं। तो अगर आपको प्रैक करने का है ना, तो मैं यही बोलूँगा कि यार आप ना जे मेन्स के या जे एडवांस के PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली अगर किसी ने जे मेन का सिलेबस लिख रखा है तो वहीं से देगा। और नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, तो जो 20% जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो जे के जनरल नॉलेज इंग्लिश उससे आएंगे। ओके, तो सो एम सी क्यू हमने डिस्कस कर रखा है, सो एम सी क्यू आएंगे, हर एक गलत करने पर -1 to 5 और ठीक करने पर +1। ठीक है, और देखते हैं अभी और कौन से कोर्सेज हैं हमारे लिए। ओके, एम ए है, ओके MSc वगैरह है, ये तो खैर हमारे काम के नहीं है। देन वी हैव ओके, ये बहुत अच्छा कोर्स है, BA MA क्रिमिनोलॉजी। ओके, तो ये गांधीनगर के अंदर कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स मुझे लगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड है। व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी, तो मैं इस पर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट क्रिमिनोलॉजी आप समझिए स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स को हम क्रिमिनोलॉजी बोल सकते हैं। ओके, इट इज़ 5 ईयर कोर्स। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द फीस, इट विल हैव 60,000 पर एनम, इट्स नॉट पर एनम, इट्स पर सेमेस्टर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इफ वी सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वी ऑब्जर्व दैट इट हैव 12+10+2 लेवल, एंड लाइक इफ यू आर आर्ट स्टूडेंट यू कैन इजिली अप्लाई फॉर इट। ओके, सो नेक्स्ट टॉक अबाउट द मोड ऑफ एडमिशन। ओके, सो हियर वी हैव रिटन दैट यू हैव टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम। ओके, फॉर टेकिंग एडमिशन इन बीएमए क्रिमिनोलॉजी यू हैव टू गिव एंट्रेंस एग्जाम, एंड व्हाट विल द एंट्रेंस सिलेबस, सो इट कंसिस्ट 100 क्वेश्चंस, एंड इट मेनली कम फ्रॉम लैंग्वेज, सो यू कैन ऑब्जर्व देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेज स्टफ रिटन हियर, लाइक लैंग्वेज कंप्रेशन, एनालिटिकल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज। ओके, सो फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट थ्री व्हाट्स द कोर्सेस, एंड ऑल All of them are, all of these are mostly from master's level. So I'm just talking about the UG. So let's go further. Let's see. Yes, MBA. You can also apply for MBA. Okay, if you are graduate, you can apply for MBA in it. But it has only one branch of Gandhinagar. Okay, Gandhinagar is in Gujarat, as you know that. Okay. Next. Okay, it's a good thing. BBA, MBA. Specialization in forensic accounting and fraud investigation. It's a long written financial management and business analytics and intelligence. Okay, so. काफ़ी लंबा नाम है, बट ड्यूरेशन इट हैज़ 5 ईयर ड्यूरेशन, इट्स अ गुड कोर्स। इफ यू आर डूइंग इफ यू आर ट्राइंग टू डूइंग बी बी और एम बी ए, सो इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि बी बी एम बी ए काफ़ी स्कोप है आजकल, तो आप इसको कर सकते हैं। ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, आपका बी बी भी साथ में हो जाएगा, एम बी ए भी साथ में हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, शायद प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी है, मैंने सुना है इस बारे में, बाकी कन्फर्म होकर आपको बताएंगे। ओके, 5 ईयर कोर्स है, अभी ये गांधीनगर में भी दिल्ली में भी, बट दिल्ली में इसकी 30 सीट्स हैं, गांधीनगर में 40 सीट्स हैं। बात करें पर सेमेस्टर फीस की, तो 65,000 सेमेस्टर है। एलिजिबिलिटी तो वही है, 12th आपकी पास होनी चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम लाइक आर्ट्स कॉमर्स साइंस, लेकिन आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है एंट्रेंस का, एंट्रेंस का सिलेबस है जी के आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग आएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो मैं कहूँगा इसके लिए जो SSC की बुक्स होती हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बेसिकली जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीडिंग के लिए। और जहाँ तक बात है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको जरूर दूंगा। ओके, वही 100 क्वेश्चन आएंगे, एंड वही पर करेक्ट +1 एंड 4 रॉन्ग -0.25। ओके, और देखते हैं फार्मेसी के लिए, तो आप जो एम फार्मा है हमारे काम की नहीं है, हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। ओके, इट इज़ गुड, BBA LLB ऑनर्स, BBA LLB भी करा रहे हैं लोग, वही 5 ईयर की है, दिल्ली में इसका कैंपस है, 40 सीट्स हैं एंड 65,000 फीस है, ये भी आर्ट्स के लिए बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। ओके, तो बाकी तो आप डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एडमिशन क्लैट के ऊपर है, इट इज़ नॉट ऑन एंट्रेंस बेस, अगर आपने क्लैट दिया तभी आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो इनका खुद का कोई खास एंट्रेंस नहीं है, इसके लिए क्लैट को ये लोग प्रेफर कर रहे हैं। ओके, LLB ऑनर्स, ओके LLM कर सकते हैं यहाँ से, और इसके अलावा एम टेक अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एम टेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, MTech एंड अप्लाइड डाटा। ओके, ये तो खैर मास्टर्स के लिए, मैं एक बार MBA पे थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, जो कि MBA काफ़ी लोग परस्यू करते हैं तो उन लोगों को मोस्टली पता नहीं होता है, तो मैं MBA के ऊपर यहाँ पर थोड़ा डालना चाहूँगा कि MBA अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। ओके, सो लेट मी फाइंड इट वंस,
ओके वी हैव टू गो डाउन देन मास्टर्स एम फिल एम ओके ये तो मास्टर्स है फिर इज एम बी ए या हियर वी गॉट वी हैव एम बी ए फॉरेंसिक साइंस ये आपको फॉरेंसिक एम बी ए करा रहे हैं अगर आप एम बी ए परस्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इनकी दो एलिजिबिलिटी रखी है एम बी ए प्रोग्राम विल बी गिवन फॉलोइंग तो ये कुछ डिटेल कैट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं और बेसिकली कैट के थ्रू एडमिशन हो रहा है मोस्टली इनका और इनका खुद का एंट्रेंस भी आप दे सकते हैं अगर आप चाहें तो ठीक है तो ये एम बी एस में करा एम बी एस साइबर सिक्योरिटी में भी करवा रहे हैं 30 सीट्स हैं 75,000 फीस रहेगी तो ये जिनको एम बी ए परस्यू करना है एम बी हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट ये भी 2 ईयर का कोर्स है और प्रॉपर डिटेल यहाँ लिखे हुए यू कैन स्टडी इट ओके बिजनेस एनालिटिक्स में भी करा रहे हैं एम बी ए लोग और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था आर्ट्स वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है और काफ़ी अच्छा है मेरी नज़र में ठीक है सो एट लास्ट मैं ये बोलूँगा कि गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो आप लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई करें काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स है ठीक है और कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट लाइक कुछ भी होता है तो मुझसे पूछ लेना मैं बता दूंगा बाकी मैं ट्राई करूँगा कि जो बुक्स इससे एसोसिएटेड है इससे आप प्राइप कर सकते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँ और इसका ब्रोशर का लिंक आपको मिल ही जाएगा ओके थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय टेक केयर गाइस ओके